नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों, मुझे आपसे इतनी उम्मीद है, आपने इस टॉपिक से संबंधित हमारे पिछले वीडियोस जो कि थ्योरी सेक्शन को लेकर बनाए गए थे उनको बढ़िया तरीके से देखा होगा, और उन वीडियोस को देखने के बाद आप इस एमसीक्यू वाले वीडियो को देखते हैं तो आप इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे और अधिकतम प्रश्नों का सही जवाब करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आपको सुझाव रहेगा, पहले आप थ्योरी सेक्शन को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें, फिर आप इस वीडियो को देखें। यदि आपने कहीं और से पहले ही उसको कवर कर लिया है तो भी आप डायरेक्ट हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जो आपसे पूछता है दोस्तों, साइबर क्राइम का कार्य क्या है। तो दोस्तों, स्टॉकिंग, हैकिंग, सर्विस आघात की मनाही, ये तीनों साइबर क्राइम के काम हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एमपीपीएससी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। आप देख सकते हैं कितने बेसिक से प्रश्न एमपीपीएससी पूछ लेता है और हम छोटे छोटे कन्फ्यूजन के कारण उनको गलत कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या कहता है, प्रश्न 2 आपसे कहता है या पूछता है, कंप्यूटर वायरस क्या है। हमने चर्चा करी थी दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। पहले तो ध्यान रखना है कि जो वायरस है वो भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही है, जो खुद की प्रतिलिपियां बनाता है या खुद की कॉपीज बनाता है, मेमोरी भरता है, स्लो कर देता है, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं जो वायरस करता है। तो यहाँ पर हमें सटीक ऑप्शन दिखता है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, इसे हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कंप्यूटर वायरस से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होता है। ऑप्शन सी भी गया क्योंकि बोल रहा दोनों सही है, जबकि ऑप्शन ए तो गलत हो चुका है, और ऑप्शन डी कहता है कोई सही नहीं है, जो अपने आप में गलत है क्योंकि ऑप्शन बी सही हो चुका है। फिर प्रश्न तीन में आपसे पूछा जा रहा है कि हैकर क्या है। तो हमने सभी ने चर्चा करी थी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से, व्यक्तिगत लाभ के दोस्तों पवित्र इरादे भी होते हैं, आपको व्यक्तिगत लाभ करना है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, नैतिक तरीके से काम करके भी अपने व्यक्तिगत लाभ को सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए यदि आप दूषित इरादे, अनैथिकल, अनैतिक काम करते हैं, अनैतिक कृत्य करते हैं, तो और इन कृत्यों के दरमियान कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं किया जाता, तो ऐसे व्यक्ति को हम हैकर कहते हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। फिर बारी आती है प्रश्न 4 की, क्या पूछता है आपसे, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, जब हमने हैकर की चर्चा की थी तो हमने कुल 6 प्रकार के हैकर के बारे में चर्चा करी थी। आप कमेंट सेक्शन में एक बार सिर्फ इन 6 प्रकार के हैकर के नाम लिखकर मुझे बता दें, ताकि मुझे एक आश्वासन मिल जाए कि आप ध्यान से पूरे वीडियोस को देख रहे हैं जो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी से हमें मनोबल, मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियोस से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आज एक स्टूडेंट हैं, शायद उनका एक्चुअल नाम तो मुझे नहीं पता, जो मुझे उनके कमेंट के माध्यम से पता चला, माँ का लाडला करके एक आईडी थी, उन्होंने आज सुबह से लेकर, मैं सुबह से देख रहा हूँ, शाम तक जितने भी अभी तक कुल वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर यूनिट 9 एमपीपीएससी को लेकर, कुल 36 वीडियो आज तक अपलोड कर दिए गए थे, उन्होंने पहले वीडियो से लेकर 36 के 36 वीडियो देख डाले, और हर वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया है, तो एक दिन में सारे वीडियोस उनने कवर किए। इसी प्रकार से आप भी लगातार मेहनत करके और वीडियोस को वॉच करके, यदि आप वीडियोस को वॉच करना नहीं चाहते हैं, वीडियोस को देखना नहीं चाहते हैं, तो आप किसी बुक के माध्यम से भी इसी प्रकार से लगातार स्टडी करके अपने टॉपिक्स को कवर करें, ताकि एग्जाम में आपके लिए किसी
किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान रखें, एक व्यूअर है जिन्होंने हर वीडियो में, हर दूसरे वीडियो में मुझे कहना चाहिए, उन्होंने कमेंट किया, जिससे मुझे अनुमान लगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने या इस विद्यार्थी ने आज ही सारे के सारे वीडियो देख डाले एक बार में। और फिर 36वें वीडियो के बाद कमेंट है शायद कि आप कंटिन्यू रखिए सीरीज़ को। तो हाँ, कंटिन्यू जाएगी, पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस पुस्तक को और इस टॉपिक को भी, ताकि आप बढ़िया तरीके से यूनिट 9 को कवर कर पाए अपने एग्जाम के लिहाज से। तो दोस्तों, प्रश्न 4 क्या बोलता है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने बात करी थी थ्योरी सेक्शन में कि ब्लैक हैट हैकर्स को हम क्रैकर्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 प्रश्न क्रमांक 4 का एकदम करेक्ट जवाब है दोस्तों, है ना। जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं, उम्मीद है उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना इन आंसर्स को करने में या जवाब देने में नहीं करना पड़ रहा होगा। प्रश्न 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। तो दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। फिशिंग दोस्तों बिल्कुल है, फिशिंग क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, इन तीनों ऑप्शन में जो कीवर्ड लिखे हुए हैं इनके मतलब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों ये तीनों के तीनों साइबर अपराध हैं। और जो ऑप्शन 2 है, ऑनलाइन चैटिंग, दोस्तों ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जब उस काम के लिए बनाए गए हैं तो फिर इसको अपराध नहीं बोलेंगे, ऑप्शन 3। प्रश्न 5 का सही जवाब है, आपको बताना है फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है। इसकी बात हमने पहले कर ली है, तो मैं पूरे अधिकार के साथ आपसे इस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में जवाब के रूप में मांग सकता हूँ। प्रश्न क्रमांक 6 क्या पूछता है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बार के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाता है और इस कारण से उस वेबसाइट को एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। दोस्तों इसकी चर्चा भी हमने करी थी, जब ऐसा कभी होता है कि फेक तरीके से ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 3 हमें दिखाई दे रहा है, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, वोनाक्राई, पेटिया हॉर, इटरनल लब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं। वोनाक्राई, पेटिया या और होना चाहिए दोस्तों, 3 वायरसेस के नाम है दोस्तों ये, तो इनका संबंध फिर किससे होगा, साइबर अटैक से होगा, ऑप्शन 3 प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग निम्न में से किससे बनता है। दोस्तों फायरवॉल जो है हमें अनाधिकृत अटैक से बचाती है हमारे नेटवर्क में, हमारे सिस्टम में, तो ध्यान रखें ऑप्शन 3 अनाधिकृत आक्रमण से संबंधित है। फायरवॉल प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करती है, इसकी चर्चा विस्तार से हम कर चुके हैं, तो आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 9, बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखें, कन्वेंशंस को अक्सर हम एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें साइबर क्राइम से जोड़ना है बुडापेस्ट कन्वेंशन को। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप अपने दिमाग में बैठा लें, बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध साइबर क्राइम से है। प्रश्न क्रमांक 10, शब्द खालिस्तान का आशय एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी कारण के कंप्यूटर सिस्टम से संघ लगाकर घुसता है। दोस्तों सेंध होना चाहिए यहाँ पर, लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो किस व्यक्ति को ऐसा हम बोलते हैं या कौन व्यक्ति ऐसा करता है, तो दोस्तों ऐसा काम करते हैं क्रैकर, क्योंकि हैकर 6 प्रकार के होते हैं और हैकर में ही ब्लैक हैट हैकर को हम क्रैकर कहते हैं। किसको बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर। कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे
हैकर के 6 प्रकार पूछे थे जो मैंने आपको बताए थे, आप उनको एक बार जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 11, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके लिए विधितः अधिदेशात्मक है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके लिए विधितः अधिदेशात्मक है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं सर्विस प्रोवाइडर, डाटा सेंटर और कॉरपोरेट निकाय, इन सभी के लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। फिर बारी आती है प्रश्न 12 की। तो प्रश्न 12 में पूछा जा रहा है, ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्ट्रक्सनेट वर्म खाली स्थान है दोस्तों, आप बताएं स्ट्रक्सनेट क्या है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है स्ट्रक्सनेट, इसको आप ध्यान रखें। फिर प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो विशेषताएं हैं? कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण क्या अखंडता? दोस्तों यह गलत है और यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग भी ठीक नहीं है, बढ़िया काम तो करते ही नहीं है, क्योंकि दूसरा विकल्प क्या कहता है, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। यदि अपराधी कंप्यूटर में दक्ष है तो साइबर अपराध हो जाएगा, या अपराधी की दक्षता कंप्यूटर में मजबूत होनी चाहिए तभी साइबर अपराध हो सकता है। तो एक विशेषता क्या हो गई, अपराधी का कंप्यूटर में दक्ष होना पहली चीज, और दूसरा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता, अर्थात जो व्यक्ति है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है यदि उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वह अनभिज्ञ है, अवेयर नहीं है, तो ये दो विशेषताएं होंगी जो साइबर अपराध को अंजाम देंगी। दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैकर क्रैकर ये विशेषताओं में नहीं आते, ऑप्शन नंबर बी एकमात्र ऐसा विकल्प दिखाई दे रहा है जो साइबर अपराध की विशेषताओं को दर्शाता है। मैंने एक्सप्लेन भी किया, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। विशेषताएं क्या होंगी साइबर अपराध की जो आपको देखने में मिलेगा, पहली चीज अपराधी की कंप्यूटर दक्षता, या कंप्यूटर में दक्ष होगा अपराधी तभी तो अटैक कर पाएगा, हैक कर पाएगा, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज जो यूजर है उसकी अनभिज्ञता, वो नादान है, उसको चीजें नहीं पता और वो उल्लू बन गया, सीधी सी बात है ना, अनभिज्ञ है, समझदार नहीं है, इस तरीके से ये दो विशेषताएं हो जाती हैं साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए। फिर बारी आती है प्रश्न 14 की। प्रश्न 14 क्या कहता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? फुल फॉर्म पूछा, क्या पूछा है आपसे, फुल फॉर्म पूछा गया है, और मैंने आपसे कहा था फुल फॉर्म पीएससी पूछ लेती है, ये देखिए 2019 में पूछ लिया। फुल फॉर्म है वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन नंबर ए हमें इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। प्रश्न 15 आपसे क्या कहता है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? इसकी चर्चा भी हमने की थी, क्रीपर है दोस्तों पहला कंप्यूटर वायरस। फिर प्रश्न 16, किस अधिनियम के तहत सर्ट इन का गठन किया गया? इसकी चर्चा भी हमने की थी दोस्तों, इसकी तो काफ़ी सारी धाराएं हमने पढ़ी थी, हम आपको याद दिलाते हैं, धारा 3 हमने पढ़ी थी, धारा 48 हमने पढ़ी थी, धारा 65 हमने पढ़ी थी, धारा 66 ए बी सी डी ई एफ हमने पढ़ी थी, धारा 67 67 ए 67 बी हमने पढ़ी थी, इसके अलावा धारा 73 की चर्चा हमने करी थी। यदि आपको सारी धाराएं याद हैं, किस धारा में किस बात का प्रावधान है, तो आप हमें कमेंट में कुछ धाराओं के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते धाराएं सारी याद हो गई जितनी मैंने लिखी हुई है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आपको वो याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ध्यान पढ़ाने में लगा रहा था फिर भी मुझे याद हो गई, आपने तो पूरा ध्यान उनको सुनने में, उनको समझने में, याद करने में लगाया होगा, तो आपको भी याद होनी चाहिए, यदि नहीं है तो आप फिर से देखें, उनको याद करें, और फिर एक दो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जो आपको लगता है कि ठीक है इसको बता देना चाहिए। सारे बताएंगे तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, बाकी एक दो आप ज़रूर बताएं, ठीक। तो प्रश्न 16 क्या कहता है, किस अधिनियम के तहत? दोस्तों ये वो धाराएं हैं जिनकी चर्चा हमने करी थी, धाराएं तो बहुत सारी हैं, कुल कितनी धाराएं हैं आईटी एक्ट 2000 में, किसमें, आईटी एक्ट 2000 में, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं टोटल कितनी धाराएं हैं।
फिर अब देख लेते हैं सर्ट इन का गठन किसके तहत किया गया, इसकी चर्चा की थी दोस्तों। सर्ट इन का गठन इसी आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत किया गया है। फिर कंप्यूटर वायरस एक क्या होता है दोस्तों, चर्चा करी थी। वायरस भी दोस्तों क्या होते हैं, प्रोग्राम ही होते हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, एस्केप, इस तरीके से कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, ये भी नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर डी हमने पढ़ा है, स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 19, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। लो भाई एक और आसान क्वेश्चन, उसकी शक्ल पे लिखा आंसर, समय बीतने पर चल जाएंगे या किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव हो जाएंगे, उसे कहते हैं टाइम बम। ऑप्शन नंबर सी, चर्चा करी थी दोस्तों, इसलिए बड़ी आसानी से चीज़ें सामने से सही होती जा रही है। यदि चर्चा नहीं की होती तो फिर समस्या हो सकती थी। प्रश्न 20 क्या कहता है, रूस के या रूस देश के एक हैकर ने 2021 में किस देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया। दोस्तों लड़ाई कहाँ हो रही है रूस की, अभी किसके साथ हो रही है लड़ाई, तो वो हो रही है यूक्रेन के साथ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, दुनिया जानती है। प्रश्न क्रमांक 21, कैप्चा का उपयोग क्यों करते हैं बताएं, कैप्चा का उपयोग हम करते हैं वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए। हमने चर्चा करी थी कि यार भाई जो यूज कर रहा है वेबसाइट को वो इंसान है, रोबोट तो नहीं है, इन सब की क्लेरिफिकेशन भी कैप्चा के माध्यम से हो जाती है, ठीक है, इसकी चर्चा की थी, देख लीजिए आप वीडियो। प्रश्न 22, भारत में दिखने वाला पहला वायरस कौन सा है, बताओ भैया भारत में दिखने वाला पहला वायरस कौन सा है। तो हमने चर्चा करी थी हैप्पी बर्थडे जोशी, जोशी जी भारत के, तो भारत में वायरस के रूप में दिख गए। यदि कोई जोशी जी है तो प्लीज़ सिर्फ याद करने के लिहाज से ऐसा बोल दिया गया, वायरस नहीं है, वो इंसान है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे जोशी नाम का वायरस भारत में सबसे पहले दिखा था, बस नाम रख दिया हैप्पी बर्थडे जोशी, ठीक। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 23 की, क्या पूछ रहा है, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में बार बार दिखाई देता है। लो दोस्तों आंसर ही बोल दिया इनने, इसे हम कहते हैं एडवेयर, ठीक। सॉफ्टवेयर का नाम पूछा है कि इस प्रकार के किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में दिखाई देता है। अब पॉपअप के रूप में दिखाई दे रहा है तो काफी लोग सोचेंगे पॉपअप ही आंसर होगा, नहीं दोस्तों एडवेयर है सॉफ्टवेयर के नाम की। एडवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन होने पर बीच बीच में बैनर या पॉपअप के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन बी प्रश्न 23 का सही जवाब है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यदि कन्फ्यूज हो आप तो एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका 50% कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और फिर भी आपको पूरा कन्फ्यूजन होता है तो इसका मतलब होता है आप ढंग से पढ़ाई नहीं करी, इसलिए पहले पढ़ाई कर लें उसके बाद सारी चीजों को देखें। प्रश्न क्रमांक 24, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर वायरस अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है बताएं। तो दोस्तों चर्चा की थी हमने, वॉर्म है ऐसा मालवेयर वायरस जो क्या करता है, अपनी कॉपी खुद बनाता है। ऑप्शन नंबर सी 24 का सही जवाब है। 25 क्या बोलता है, इंटरनेट और संबद्ध तकनीकों का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना क्या कहलाता है। इंटरनेट और जितनी भी ये टेक्निक्स हैं इनका उपयोग यदि आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हो तो इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न 26 क्या बोलता है, नॉर्टन एक खाली स्थान है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कम से कम नाम तो ध्यान रख लेना, नेट प्रोटेक्टर, नॉर्टन, मैकेफी, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो फिर नॉर्टन क्या हुआ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हुआ। प्रश्न 27, फ्लेम क्या कहलाते हैं दोस्तों, फ्लेम आग कैसे लगती है आपको जब उल्टा सीधा बोल दे आपसे, ठीक है। तो इंटरनेट पर लिखे गए अपमानजनक शब्दों से आपको आग लग जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी फ्लेम इंटरनेट पर लिखे गए अपमानजनक शब्दों को कहते हैं, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 28, निम्न में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बताओ भैया कौन सा इनमें से एंटीवायरस है। जी डेटा, पांडा, एवीजी, सभी तो दोस्तों क्या है, एंटीवायरस है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर प्रश्न 29 क्या कहता है, 29 कहता है वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था,
बताइए वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रेड कोहेन ने किया था, इनके नाम की भी चर्चा हमने की थी। प्रश्न 30, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? बताओ दोस्तों, कंप्यूटर को हैकर से बचाना चाहते हो तो आप क्या इंस्टॉल करोगे? फायरवॉल कर लोगे, सुरक्षा हो जाएगी आपके कंप्यूटर की, एक दीवाल टाइप की बीच में आ जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं दीवाल, सॉफ्टवेयर है दोस्तों, है ना। आपको एक चीज़ बतानी है, जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बन सकती है कि सिर्फ हार्डवेयर की सिर्फ सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन बताना है आपको, इसकी चर्चा हमने की थी, ठीक है। प्रश्न 31 क्या बोलता है? सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? यदि आप अपने मैसेज को कोड फॉर्म में बदलते हो, गुप्त रूप में बदलते हो, तो उसको तो हम कहते हैं इनक्रिप्शन। यदि कोड फॉर्म को डीकोड करते हो तो उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। तो बात चल रही है अपने संदेश को कोड वर्ड में तब्दील करना या बदलना, इसे हम कहेंगे इनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 का बेहतरीन सही जवाब है। 32 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बताओ भैया, क्विक हील भी है, सुना होगा टीवी में, नॉर्टन तो भी देख लिया, पांडा भी देख लिया उसके विकल्प में, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है दोस्तों। तीनों की तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। फिर हैकिंग से आप क्या समझते हो भाई, बताओ हैकिंग क्या है? सिक्योरिटी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक, इससे नुकसान होता है, लेकिन सिक्योरिटी से संबंधित है हैकिंग, है ना। और सर्चिंग, यहां से भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है क्वेश्चन में, हैकिंग तो एक नेगेटिव टर्म हो गया, लेकिन हैकर्स 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से वाइट हैट हैकर, रेड हैट हैकर का उद्देश्य समान होता है, बस काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे वाइट हैट हैकर आक्रामक नहीं होते, रेड हैट हैकर आक्रामक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्लैक हैट हैकर अनैतिक काम करते हैं, ग्रे हैट हैकर दोनों प्रकार के काम करते हैं, नैतिक भी कर लेते हैं, अनैतिक भी कर लेते हैं, जैसा मौका आ गया। तो यहाँ पर हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न को MPPSC 2019 में पूछा गया था और MPPSC ने इसका आंसर सी माना था, तो हम भी यहाँ पर सी इस ऑप्शन को मान लेते हैं, आप भी मान लें क्योंकि MPPSC ने माना था। यदि इस प्रकार का प्रश्न फिर से रिपीट होता है तो आपको ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी और सर्चिंग दोनों का रिलेशन हैकिंग से बता देना है, क्योंकि यदि इसको गलत ठहराया गया तो आप इस आधार पर याचिका लगा पाएंगे अपने प्रश्न की प्रमाणिकता के लिए या अपने द्वारा दिए हुए जवाब की प्रमाणिकता के लिए, कि भाई इस आंसर को PSC ने पहले सही माना था, अब गलत कैसे मान सकते हैं। तो प्रश्न 33 का आंसर आप ऑप्शन नंबर सी मान के चलें। प्रश्न 34 कहता है या पूछता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलते हैं उन्हें मैक्रो वायरस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न 34 का सही जवाब है। सबकी चर्चा हमने की हुई है, जिन्होंने वीडियोस देखे हैं उनको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। प्रश्न 35 पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हैकर को सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो हैकर को सिस्टम को नियंत्रित करने की अनुमति देता है? चार विकल्प आपके सामने है, हैंडशेक, की लॉगर, रूट कीट, प्लाडियम। तो दोस्तों देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी रूट किट्स, यहां पर सही से लिखा नहीं है, रूट किट्स क्या है दोस्तों? ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो हैकर को सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति देता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। इसकी चर्चा हमने की हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं होती। फिर पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? बता दे दोस्तों, एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, ब्रेन दोस्तों पहला बूट सेक्टर वायरस है। यदि आपने इसका आंसर नहीं पता तो फिर अपना ब्रेन लगा लें और पढ़ाई करना चालू कर दें, नहीं तो समस्या होने वाली है आपके एग्जाम में। कोई टेबल हमने पढ़ी हुई थी, पहला वायरस कौन सा है, पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, भारत में दिखने वाला हैप्पी बर्थडे जोशी जी पहला वायरस है, इन सब की चर्चा हमने करी थी। फिर भी यदि आपको समझ नहीं आ रही है तो रिविजन की कमी है पहली चीज, या तो आपने वीडियो एक भी बार नहीं देखा, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाए हैं और यदि तुरंत आपसे प्रश्न पूछे तो आप कम से कम ऑप्शन देखकर तो सही आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 37, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? बता दे भैया, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? मालवेयर, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न 37 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 38, किसे फ्लो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है?
तो हैंड शेक, इसे हम फ्लो कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 39, निम्न में से कॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपको बताना है प्रश्न 39 में कौन सा कॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, ये सभी के सभी कॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 39 का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न 40 आपसे क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर मालवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, मालवेयर नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वॉर्म एक मालवेयर है, वायरस भी है और ट्रोजन हॉर्स भी है। जो ऑप्शन नंबर सी कुकीज है, इसका संबंध मालवेयर से बिल्कुल भी नहीं है। फिर बारी आती है प्रश्न 41 की, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों ये नहीं वगैरह ढंग से पढ़ रहे हैं आप, दिक्कत हो जाएगी। क्विक हील, अवीरा, अवस्ट, इन सब की चर्चा हमने की थी। दोस्तों DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न 41 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न 42 क्या पूछता है, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है बताएं? तो दोस्तों सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है ब्लोफिश, इसकी चर्चा हमने की थी अपने लास्ट वीडियो में। नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, फिर प्रश्न क्रमांक 42 को आराम से आप सही कर देंगे। प्रश्न 43, कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेर फेर करना क्या कहलाता है? बताइए कंप्यूटर में जो डाटा है उसमें उल्टी सीधी हरकतें कर देना, इधर उधर अस्त व्यस्त कर देना, कुछ चीज़ों को छिपा देना, कुछ को, है ना, समझ रहे हैं बात को, डाटा को अस्त व्यस्त कर देना या उसमें हेर फेर कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं डाटा डिडलिंग। क्या बोलते हैं? डाटा डिडलिंग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न 43 का सही जवाब है। प्रश्न 44 क्या कहता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने का कारण क्या है? बताओ भाई मैलिशियस सॉफ्टवेयर कैसे आता है? स्पैम के थ्रू। अब स्पैम क्या होता है इसकी चर्चा हमने की थी, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर, ठीक, कि स्पैम आकर होता क्या है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने के कारण क्या है दोस्तों? स्पैम तो बिल्कुल है, गलत फाइल को डाउनलोड कर लोगे, ठीक, तो एक कारण वो भी बन जाएगा, गलत वेबसाइट खोलोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, तो फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने की संभावना बढ़ ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी 44 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उल्टी सीधी हरकतें ना करें, बढ़िया फाइल डाउनलोड करें, बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स खोलें, ज्ञान की वेबसाइट को खोलें। और एक स्पैम भी तरीका है दोस्तों, जो आपको फंसाने के लिए आपके कंप्यूटर में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर आने का कारण हो सकता है। ऑप्शन डी 44 का सही जवाब है उपरोक्त सभी। 45 क्या बोलता है, मालवेयर से बचने के उपाय बताइए सर, कैसे बच लोगे मालवेयर से? किसी भी प्रकार की फर्जी ईमेल अटैचमेंट को ना ओपन करें भैया, दूर ही रहें फालतू चीज़ों से, बिल्कुल सही। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं, किससे? मालवेयर से। किसी भी प्रकार की डाउनलोडिंग हमेशा कानूनी वेबसाइट से ही करें भाई, कानूनी वेबसाइट देख के आप डाउनलोडिंग करेंगे, ठीक, ये भी बढ़िया है, इससे भी बच लेंगे। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से की थी, जो आपको मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, बिना प्ले स्टोर पर रजिस्टर नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि बढ़िया सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पर होते हैं लेकिन उनके पेड वर्जन होते हैं प्ले स्टोर पर, तो कई लोग क्या करते हैं उनके क्रैक्ड वर्जन गूगल पर सीधे डाल देते हैं डाउनलोड करने के लिए। अब वहाँ पर तो दोस्तों अर्निंग के लिए बहुत सारे स्कोप, एड वैड जमा देने की चीज़ें चला देते हैं। अब इसमें ध्यान रखा जाता है सामने वाले के द्वारा कि एड है या क्या है, फंसाने के लिए सिंगल क्लिक पे काम खत्म हो जाना है आपका। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम होते हैं उनको आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो भी बचे रह जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न 45 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली साइबर सिक्योरिटी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, ठीक है, और अगले वीडियो से हमें शुरुआत करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो तब तक आपको करना क्या है, बने रहना है हमारे साथ और लगातार मेहनत करना है, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक, तो बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुके दोस्तों जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।